हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कांग्रेस ने पूर्व में रही भाजपा की सरकार और पूर्व सीएम जयराम को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में होने वाले विभिन्न प्रकार के पेपर लीक मामलों में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि उन्हें क्या 5 वर्षों तक भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी नहीं हुई, जबकि सब कुछ उनके नाक तले होता रहा। मंडी में जारी एक प्रेस बयान में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव देवेंद्र शर्मा ने भाजपा पर पूर्व सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावों में मिली हार से बौखला गई है और इनसे कुर्सी का मोह छूट नहीं रहा। देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पूर्व की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और कुछ मामले पहले उजागर हुए हैं और कुछ मामले आने वाले समय में उजागर होंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। प्रदेश में भाजपा का जो हाल है वो इतनी बौखला गई है कि सारे काम को ऐसा चाहती है कि 8-10 दिन में निपटा दिया जाए या हमको कुर्सी पर बिठा दिया जाए। इनसे कुर्सी का मोह नहीं छूट रहा है। सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में जो भ्रष्टाचार के जो जितने भी मामले सामने निकल रहे हैं उनके लिए, उनको दबाने के लिए भाजपा जो है वो प्रयासरत है। आज आपके सामने प्रदेश में जो SSB है, सर्विस सबॉर्डिनेट बोर्ड जो है, सिलेक्शन सबॉर्डिनेट बोर्ड, उसको जो है सस्पेंड कर दिया गया। कारण कि वहाँ पर जितने भी आज तक 5 साल तक परीक्षाएं हुई और वो जो परीक्षाएं लीक हुई उसके लिए सरकार बैठते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस औरत को जो वहाँ पे संलिप्त थी उसको डिटेक्ट करके उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको जो है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। सभी परीक्षाओं को जो है बैन कर दिया गया है, क्योंकि वो जो हमीरपुर में एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। क्या जयराम ऐसा सोचते हैं कि इस पर अगर ऐसा बोले कि जो ये डिक्टेटरशिप है या फलाना चलाया हुआ है, फलानी चीज़ें बंद कर दी गई, क्या इसमें जयराम का हाथ नहीं हो सकता? वो मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, उनको क्या 5 साल तक पता नहीं चला कि मेरे नीचे क्या हो रहा है, कहाँ धांधलियाँ हो रही है? पुलिस भर्ती में, दूसरी भर्तियों में इतने बड़े घोटाले हुए, उन घोटालों से क्या मुख्यमंत्री इससे बच सकते हैं? क्या भाजपा इससे बच सकती है? आज बड़े बड़े बातें कर रही है जी, लॉ ये डिक्टेटरशिप बन गए। ऐसे डिक्टेटरशिप नहीं है। हमारे भी उस समय जब ये 2017 में आए थे तो 2-3 महीनों के जो कार्य थे उनको इन्होंने पलटा था। जिनके अंदर पैसा नहीं डाला जाता, बच नहीं डाला जाता, उन फैसलों को जो है वो दूसरी सरकार रिव्यू करती है। और इन्होंने तो 3,3200 करोड़ रुपए के फैसले जो है वो 2-3 महीनों में जो है अनाउंस कर दिए, जिनके इनके पास पैसा अपने मुलाजमों को पेमेंट देने के लिए नहीं था। तो इन्होंने कैसे ये फैसले लिए, किस ढंग से ये फैसले लिए? क्या लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए? बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।